Once upon a time. Hey, let's get ready. हमें बाहर जाना है. चलो रेडी हो जाओ. पहले टॉयलेट से होके आ जाता हूँ. अरे चलो मैं रेडी हो गई हूँ. लेट्स गो. कहाँ चला जाता है? अंदर हो गया? हाँ. कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट आ गया. जल्दी आओ यार. Many hours later. Later that same evening. यार नीचे से दूध का पैकेट लेते आओ. मेरे को कॉफी भी नहीं है, दूध भी नहीं है. जा रहा हूँ 2 मिनट. एक काम करता हूँ, जल्दी से टॉयलेट से होके आ जाता हूँ. One eternity later. Few moments later. तुम्हारा बहुत हो गया. अब तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह लेके जाता हूँ. चलो. सो गाइज गेस वॉट, अभी हम कहाँ पे हैं? सो अभी मैं हूँ मेरे हस्बैंड की फेवरेट प्लेस, और सिर्फ मेरे हस्बैंड की नहीं, आई थिंक सारे हस्बैंड की फेवरेट प्लेस. आज तक आपने बहुत सारा म्यूजियम देखा होगा, बट आई डोंट थिंक कि आपने कभी इसके बारे में सुना भी होगा या आप जानते होंगे. जी हाँ, आज हम हैं टॉयलेट म्यूजियम में. Yes, you heard right, Toilet Museum. So, मेरे लिए भी कुछ नया है और आई होप आपके लिए भी नया होगा. So, come and explore the Toilet Museum. And यहाँ आने के लिए आपको nearest metro station जो है वो दशरथपुरी और पालम दोनों है, और वहाँ से आप by walk 10 minutes का walk करके भी आ सकते हो, या फिर आप ई रिक्शा भी ले सकते हो जो कि आपको 10-20 rupees cost करेगा. सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे आना प्रिफर कर सकते हो. सो यह कम. So this museum is run by the Sulabh International, dedicated to the global history of sanitation and toilets. और Times Magazine के according, ये museum world के top 10 weirdest museum में से एक है. और इस museum में आपको अलग अलग type के toilets के model देखने को मिलेंगे, जो कि toilets की शुरुआत से लेके आज के time तक के models आपको देखने को मिल जाएंगे. ऑलमोस्ट सिमिलर था, बट ये देखो ये कुछ इंटरेस्टिंग है. इसमें आप चढ़ के जाओगे आराम से घूम के, और फिर आ हा हा खुले खुले में कुछ अलग ही. मैंने जितने भी टॉयलेट देखे ना, ये मेरा फेवरेट टॉयलेट है. ये कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ न्यू है. यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे कुछ एक टॉयलेट्स ऐसे हैं जिसमें आप अपने काम को करते हुए बाहरी दुनिया की खोज खबर भी रख सकते हैं. एंड यहाँ आई एम सर्चिंग फॉर हिम कि कहाँ गया, फिर मैं इसको ढूंढते हूँ क्योंकि घर में तो ये सिर्फ वॉशरूम में ही घुसा पड़ा रहता है. अच्छा इसमें चेक करती हूँ, अरे इसमें भी नहीं है. अरे यहाँ तो इतने सारे टॉयलेट्स हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ देखूँ. मुझे तो सब में इसको चेक करना पड़ेगा कि किस में. And here it found this toilet so cute. I don't know why, but इतना क्यूट लग रहा था देखने में कि आई couldn't resist myself. और मैं यहीं पे मतलब अपनी एक्साइटमेंट लेवल दिखाने लगी कि मुझे कितना ये क्यूट लग रहा था. और इस टॉयलेट म्यूजियम को दिल्ली में 1992 में इस्टेब्लिश करवाया गया था बाई डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे. इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगे रेयर कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, फैक्ट्स और टॉयलेट्स का,
जो कि इन डिटेल्स डिपेक्ट करती हैं टॉयलेट के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को फ्रॉम 2500 BC टिल डेट। और इस म्यूजियम को बनाने का मेन मोटिव था कि लोगों में अवेयरनेस हो टुवर्ड्स हाइजीनिक सैनिटेशन। एंड यहाँ पे आपको ये टॉयलेट्स को देख के क्या लग रहा है? तो बेसिकली ऊपर मैनेजमेंट लिखा है एंड नीचे एम्प्लॉयज लिखा है। सो यूके में पहले वहाँ पे टॉयलेट्स का भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो जितने भी व्हाइट कॉलर पीपल होते थे वो ऊपर वाले वॉशरूम्स यूज करते थे एंड जितने भी ब्लू कॉलर वाले स्टाफ्स होते थे वो नीचे वाला वॉशरूम यूज करते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? बुक है, टेबल है, क्या है? जी नहीं, ये भी एक टॉयलेट है। तो ये तो डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि कोई टेबल ही है, बट जी नहीं, ये भी टॉयलेट है। आपको लग रहा होगा कि ये तो डेफिनेटली टेबल होगा, बट जी नहीं, ये भी टॉयलेट है। सो मल्टीपर्पज टॉयलेट था। सो ये काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एंड ये जो था, सो ये जो आपको थ्रोन टाइप चेयर दिख रही है, ये आपको क्या लग रहा है? ये थ्रोन जो है किंग लुई द 14th का है, जो कि कॉन्स्टिपेशन का शिकार था एंड वो मोस्टली अपना ज़्यादा टाइम टॉयलेट्स में ही बिताता था। तो इसी वजह से उसने सोचा कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड इसी वजह से उसने अपने थ्रोन के नीचे ही टॉयलेट बना लिया। मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो टॉयलेट्स हैं ये डमी हैं, ये सारे रेप्लिकाज हैं, कोई भी ओरिजिनल नहीं है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो दीज थिंग्स इन डिटेल, तो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर भी होती हैं। और ये जो चेयर आप देख रहे हो, सो ये बेसिकली कसिनो में यूज़ होता था, ये भी टॉयलेट है। एंड जब लोगों को कसिनो में खेलते हुए प्रेशर आता था तब वो यहाँ पे यूज़ कर लेते थे, सो दैट कि वो गेम को मिस ना करें। एंड ये कोरियन टेंट टॉयलेट है एंड यहाँ पे आप ये जो टॉयलेट बैग देख रहे हो बायोडिग्रेडेबल है। एंड ये चाइनीज स्पॉट है और पहले के लोग इसी में टॉयलेट करते थे एंड उसके बाद फिर इसको एम्प्टी करते थे। सो आई नो थोड़ा डिस्कस्टिंग है, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सारे जो है डमी टॉयलेट्स हैं। सो बेसिकली वेगस में एक आदमी अपना टॉयलेट थीम पे रेस्टोरेंट रन करता है, उसने ये गिफ्ट करा था यहाँ पे। एंड आपको तो लग रहा होगा कि ये डेफिनेटली टेबल होगा, बट नो, दिस इज टॉयलेट टू। सो बेसिकली म्यूजियम घूमने के बाद आपको यहाँ पे अपना फीडबैक देना होता है, दैट हाउ डिड यू लाइक दी म्यूजियम एंड ऑल। सो आप अपना फीडबैक दे दो। ये म्यूजियम 7 days ओपन है, टाइमिंग 10 to 5 है, सो आप विजिट कर सकते हो, कोई टिकट चार्जेस नथिंग एट ऑल, आप देख सकते हो क्या है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु लाइक दिस काइंड ऑफ शिट।